हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली जो है केंद्र शासित राज्य है, यूटी यूनियन टेरिटरी। और यहाँ की बातें आप देखेंगे, लोकसभा चुनाव हारने के बाद केजरीवाल गूंगे हो गए, किसी भी मीडिया वाले को कहीं नहीं मिले, वो गूंगे एक गूंगे हो गए, कहीं नहीं मिले। आईटीएन कुछ न कुछ सोच रहा था कि किस मुंह से मैं बाहर निकलूं, और एकदम से आया और धमाका कर दिया। क्या धमाका किया कि हम महिलाओं को फ्री सर्विस देंगे, फ्री वाला शब्द जो है, ताकि मुझसे कोई मीडिया वाला पूछे नहीं कि आपका लोकसभा में हारने का क्या कारण था। मैं स्वागत करता इनकी इन बातों का, लेकिन अगर यही कैबिनेट बुलाकर कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखते, कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा के उसके कोरम को पास करा के सचिवालय भेजते, और सचिवालय से फिर वो एलजी के पास भेजते, और एलजी के पास से वो सीधे राष्ट्रपति के पास भेजते, तो मैं आपके इसी चैनल पर ताली बजाकर स्वागत करता कि वाकई इनका बहुत अच्छा ये आइडिया है, डिसीजन है। और ये लेकिन दुर्भाग्य है, 6 महीने बाद चुनाव है। 70 वादे किए थे, 70 वादे में एक भी वादे नहीं थे। क्या थे? महिलाओं के सुरक्षा का वादा। 71 भी आ गया। नहीं, इसको तो गिनती में मत रखिए, नहीं तो गिनती में नहीं है। एक अभी बोलने तो दीजिए, एक मिनट। इनके ही पार्टी की दमदार लीडर अलका लामा, क्या है वो? महिला ही है ना। महिलाओं की बात करने वाले माननीय केजरीवाल साहब, वो महिला ही है ना, या तो रातों रात पुरुष तो नहीं बन गए वो, महिला ही है। उनको अपने आधिकारिक ट्विटर व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देते हैं, और वही व्यक्ति एकदम से कॉन्फ्रेंस बुला के और बोलते हैं कि मैं महिलाओं के लिए। तो इतना मज़ेदार न्यूज लगता है कि हम जैसे पढ़े लिखे दिल्ली में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि कई लोगों से मिलते जुलते हैं, तो अजीब लगता है कि कब सुधरेगा ये बंदा। ये सुधरते क्यों नहीं? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर हैं, कभी चाटा लगवा लेते हैं, कभी थप्पड़ खा के आ जाते हैं, कभी विधायक इनके नाक तोड़ देते हैं, तो अजीब है। तो मुझे लगता है आपके चैनल के आपके काफ़ी व्यूअर्स होंगे, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि कोई दिक्कत, आप भी एक महिला हैं, और हमारी बातों पर यहां बहुत सारे लोग, कुछ को गुस्सा भी आ रहा होगा, कुछ को प्यार भी आ रहा होगा, लेकिन मैं उनसे अलग हट के एक बात कहना चाहता हूं कि सिस्टम से चलिए केजरीवाल साहब। आप जो भी इस राज्य को देना चाह रहे, कोई एहसान नहीं है, ये राज्य के जनता का मौलिक अधिकार है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, अगर आप में दम है तो आज आप अभी कह दो कि मेरे राज्य में कोई भी बंदा शिक्षा लेना चाहते हैं वो 1 रुपया फी जमा नहीं करेंगे, कोई भी स्वास्थ्य 1 रुपया, कोई भी MRP कुछ नहीं, सब कुछ फ्री नहीं कर सकते। लेकिन क्या करेंगे, कुछ क्या करेंगे कि अभी मेट्रो का जो मामला था रेट बढ़ने का, क्या बोला? मैं धरना दूंगा, रेट नहीं बढ़ेगा। वहां तो फ्लॉप हो गए। ये कैसे, क्या इसका क्या है कहने का, क्या है लॉजिक इनका? कोई लॉजिक है क्या? ये पास करा लेंगे, इनके कोरम पूरे हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है। और एक मैं कहना चाहता हूँ कि मात खा गए दुश्मन दुश्मनी निभाने में, मात खा गए दुश्मन दुश्मनी निभाने में, मेरा दोस्त ही आगे था मेरा घर जलाने में। अच्छा मुद्दा उठाया था अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, कि महिलाओं के लिए मेट्रो में फ्री ऑफ कॉस्ट फेयर की सुविधा दी गई है। अरे हम भी स्वागत करते हैं, हमने कब मना किया कि हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की सुविधा ना दी जाए, हर महिला को दी जाए। मेरे देश को मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, वेनेजुएला मत बनाइए आप। वेनेजुएला एक देश है, वेनेजुएला उस देश, वेनेजुएला वेनेजुएला उस देश में क्या हुआ था आपको मालूम है ना? आज भी एक ब्रेड का पैकेट 3300 रुपये का हमारी मुद्रा के अनुसार आता है एक पैकेट, उस पैकेट में 20 ब्रेड के पैकेट छोटे छोटे पीस निकलते हैं, वहाँ भुखमरी फैली हुई है। ये अरविंद केजरीवाल साहब कांग्रेस पार्टी की राह पर चल पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं, निकल पड़े हैं, मेरे को पैसा चाहिए, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं भूखा हूँ। अरे कांग्रेस पार्टी का वही स्टैंड, आप भूखे हो, अरे जाओ फावड़ा उठाओ, एक पला उठाओ और जाओ और देश के गड्ढे खोदो। उस देश के गड्ढों को खुदवाया और जो गड्ढों से जो इनकम पैदा हुई उनके बच्चों तक पहुँचाई। कितनी पहुँचाई? 20 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये, 35 रुपये, हाँ जबकि सिर्फ 4 रुपये। ये खुदाई स्टार्ट हुई थी, मनरेगा नाम दे दिया, कितना कितने लोगों को फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना। उसी तरह से
हमने कभी मना नहीं किया कि महिलाओं को दीजिए, मैं एक जानना चाहता हूँ, अगर सब ये कह देंगे कि महिलाएं सब फ्री हैं, सच बता रहा हूँ, महिलाओं की जगह पुरुष एक भी नज़र नहीं आएगा मेट्रो में, महिलाओं की दिक्कत होगी। हमारा ये शोषण हो रहा है, केजरीवाल कहेंगे फ्री मेट्रो में जाओ, मेट्रो में सफ़र फ्री है, वो कहेंगे हम भूखे हैं मेट्रो में जाओ फ्री है, एसी मिलेगी, सफ़र कीजिए। भैया सफ़र करने के हिसाब से अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ छूट का प्रावधान होता, मैं सहमत हूँ उनकी हर नीति से, उनके हर फैसले से स्वागत है, तालियों के बीच गड़गड़ाहट के साथ में उनका स्वागत है, लेकिन एक पटल पर उनको ये भी बोलना चाहिए कि पूरा किराया माफ़ नहीं है, सिर्फ कुछ किराए में छूट का प्रावधान है, 25%, 65%, 75%, जिससे 25% भी अगर कॉस्टिंग निकलती है दिल्ली मेट्रो की, तो उससे कॉस्टिंग निकल के वो अपनी मेट्रो को चला सके, सुचारू रूप से संचालित हो सके, दिन प्रतिदिन यात्री बिना असुविधा के सुविधा का लाभ ले सके और एक स्थान से दूसरे गंतव्य तक अपनी यात्रा को समाप्त कर सके। आजकल मुझे लगता है लोगों को सब्सिडी से ज़्यादा है ना फैसिलिटीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आप उनकी फैसिलिटीज़ इंप्रूव करें तो वो ज़्यादा बेटर डिसीजन होगा, बिकॉज मेट्रो में अगर फ्री राइड हम देना शुरू कर देंगे तो मेट्रो की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो वो फैसिलिटी अगर फ्री में ही मिलेगी तो कोई अवेल नहीं करना चाहेगा, जैसे एक टाइम DTC बस का हल हो गया था। फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ स्टैंडर्ड, पर जैसे केजरीवाल कह रहे हैं ना कि इससे सुरक्षा बढ़ेगी, तो क्या लगता है आपको सुरक्षा बढ़ेगी लेडीज़ की? सुरक्षा तो सुरक्षा देने से ही पड़ेगी, मेट्रो में फ्री राइड से तो बढ़ नहीं सकती है, बिकॉज अभी भी जो लेडीज़ जितना भी घूम रही हैं या काम पर जा रही हैं, मेट्रो इज़ एज सेफ एज इट हैज़ ऑलवेज बीन, और इसी नहीं देखो आज लेडीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ और डिपेंडेंसी हम लोगों के ऊपर, मेल मेंबर्स के ऊपर फैमिली में बिल्कुल रिड्यूस हो गई है। सो इट इज़ द फैसिलिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड ही शुड थिंक बियॉन्ड ऑफरिंग फ्री थिंग्स हाउ वी कैन इम्प्रूव दिल्ली। हाँ, तो बात ये चल रही है कि केजरीवाल जी ने बोला है अभी कि वो सोच रहे हैं कि वुमेन्स के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, वो मेट्रो राइड और बस राइड फ्री कर दें। तो सुना है, बताओ फिर क्या कहते हो, सही बात है क्या? फ्री मुझे थोड़ा सही भी है, बट पूरा फ्री करेंगे तो मेरे हिसाब से फ्री करना सही नहीं है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ फ्री देंगे तो लोग उसका अनयूटिलाइज वे में यूज़ करते हैं, मिसयूज करते हैं, मतलब रिसोर्स का फुली यूटिलाइज नहीं हो पाता, हाँ सही से यूज नहीं हो पाता, फिर उसका मिसयूज होगा, लोग मतलब वुमेन्स ऐसे ही जाएंगे घूमेंगी, तो मतलब हमारी कोस्ट आज भी रोज शॉपिंग करो, ये करो, जहाँ नहीं जाना होगा वहाँ भी फिर वो रोज जाएंगे, उसका रिकवर करने को हम कहीं ना कहीं से रिकवर करेंगे, तो उसका बर्डन एटले शाम पे ही पड़ रहा है, पब्लिक पर ही पड़ रहा है, कहीं टैक्स रेट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा, गैस का बिल बढ़ेगा, कुछ ना कुछ भी बढ़े, देखो इधर से काम करेंगे इधर से पकड़ेंगे, एक तरफ से हमारे लिए कोई गवर्नमेंट दे रही है तो दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ हमसे लेगी जरूर, गवर्नमेंट किसी ना किसी रूप में टैक्स पब्लिक से ही लेना है, तो डिस्काउंट छूट ये सब बेकार है, ऐसा करना बेकार है। दैट्स ग्रेट अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो, लेकिन आई थिंक अगर वी पे ना तो दैट इज़ गुड, क्योंकि अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्यों नहीं हमें पे करना चाहिए, इससे गवर्नमेंट पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा, वो कहीं और डेवलपमेंट में यूज़ किया जा सकता है, सफाई वगैरह पे और काफ़ी मेंटेनेंस पे, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते जो लोग उनके लिए, ये गलत है नहीं डिसीजन मेरे ओपिनियन से। मम्मा के साथ ट्रैवल करते हो मेट्रो से? यस ओके, तो आपको क्या लगता है कि जो ये हमारी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, आप जानते हो कौन है? नहीं जानते। डिसीजन दिया ना अभी कि महिलाओं के लिए मेट्रो और बसेस फ्री कर दी जाएंगी और उससे सुरक्षा बढ़ेगी, तो क्या कहना है आपका इस बारे? ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर केजरीवाल ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ेगी और फ्री में अगर हम जाएंगे, तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो कोई नुकसान नहीं है इसके लिए? क्या नुकसान है, मेट्रो तो मतलब मेट्रो तो सेफ ही है एक तरह से लेडीज, और जो भीड़ बढ़ेगी फ्री मेट्रो होने से? मोस्टली लेडीज ही ट्रैवल करती है, लेडीज जेंट्स महिलाओं के लिए किया है ना, तो लेडीज मोस्टली जेंट्स की अपेक्षा मतलब तुलना में तो कम ही है ना, लेस देन, दैट्स व्हाई तो लेडीज आर मोर भी सेफ। पर इतने लोग फ्री आएंगे तो इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा? मे बी, बट अकॉर्डिंग टू सेफ ऑफ वुमेन्स देखा जाए है ना, तो लेडीज़ के लिए मेरे ख्याल से ये बेटर होगा, इकोनॉमिक्स पे पड़ेगा हाँ वो अलग बात है, बट अगर हम वुमेन की उससे देखें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। राइट डिसीजन। केजरीवाल जी ने एक डिसीजन लेने का सोचा है और उन्होंने अनाउंसमेंट किया है अभी कि भाई बसेज और मेट्रो में लेडीज़ को फ्री करने की सोच रहे हैं, वो तो क्या कहना है आपको इस बारे में? दिल्ली की आबादी 1 करोड़ के करीब तो है, 40-50 लाख महिलाएँ रोज़ सफ़र करती हैं, फ्री कर देंगे कैसे मेंटेन करेंगे, क्या इस प्रोजेक्ट को भी फेल कराएंगे? वो कह रहे हैं कि जो पैसा जो नुकसान होगा DMRC का और मेट्रो का और बस वालों का, DTC वालों का, तो वो लोग जो है वो टैक्स पेयर्स पे करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए आप, क्या सिर्फ महिलाएं टैक्स देती हैं?
पुरुषों के लिए कि नहीं, पुरुषों के लिए क्यों ना करते, कोई योजना क्यों नहीं लाते? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऑफिस जाने के लिए कई लोग मेट्रो यूज़ करते हैं, तो उनको भी वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए। ये नहीं बोल रहा कि महिलाओं को ना मिले, मिलना चाहिए, बट लेकिन ये है कि एक एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट को इस तरह से बर्बाद करने का मेरे हिसाब से तो नहीं बनता। ठीक है, अगर कोई जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो वो पे कर सकता है, जो पे कर सकता है उसके लिए फ्री करना ये सिर्फ वोटों की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। अपनी सरकार बचाने का तरीका है, नहीं तो मोदी जी ने तो आंधी में उड़ाई दिया सबको। तो मैं आपको बताऊं कि अफोर्ड करने की बात अलग है, अफोर्ड जो कर सकता है उसके बाद अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो उस वक्त तो मैं भी ये कहूंगा, अगर मैं फ्री जाना है तो मैं भी कहूंगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप देखिए ना, ये प्रोजेक्ट फेल होगा फिर, अभी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, ये फेल होगा फिर और दिल्ली के लिए नुकसान है। मतलब सवाल ये है कि जो आजकल केजरीवाल ने एक फैसला दिया है कि बसेज और मेट्रो के लिए लेडीज़ के लिए फ्री करने की सोच रहे हैं, वो तो क्या कहना है इस बारे में? मतलब इतने लोग अगर फ्री में सफ़र करेंगे तो इकॉनमी में फ़र्क आएगा, और क्या ये इनजस्टिस नहीं है यहाँ की पुरुषों के साथ? देखिए, वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं महिलाओं के लिए। एक्चुअली मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं इंदौर से हूँ, MP इंदौर से। इंदौर के बारे में आपको पता होगा कितनी क्लीन सिटी है, नंबर वन आता है हमारा इंदौर। और हमने यहाँ दिल्ली में आके देखा कि कुछ नहीं है, दिल्ली कैपिटल जीरो है। केजरीवाल ने बोला है ना कि DTC बसेज और मेट्रो फ्री कर देंगे लेडीज़ के लिए, क्या कहना है इस बारे में? देखो, केजरीवाल जी ने बोला तो बहुत कुछ है और आज तक बहुत कुछ बोला दिल्ली के लिए कि हम वाईफाई पूरी सिटी में फ्री कर देंगे और आने वाले टाइम पानी फ्री कर देंगे और हम गैस आपका बिजली का बिल भी फ्री कर देंगे। मैं बस केजरीवाल जी से एक बात पूछना, आप मेरे ब्याह पर पूछ लेना जा करके, कि वो कह रहे हैं कि DTC और आपका ये मेट्रो फ्री कर देंगे हम, तो इसका मेट्रो का जो टू पर अगर मान के चलते हैं कि लेडीज़ का आपका इतना भी सेगमेंट फ्री करते हैं, लगभग 2000 करोड़ का खर्चा आएगा। वो कह रहे हैं इसका बहन दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट तो करेगी लेकिन वो टैक्स पेयर से लेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट करेगी लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट किससे लेगी? टैक्स पेयर से। तो ऑफकोर्स किससे बर्डन पड़ेगा? एक आम जनता पर। और आम जनता में क्या लेडीज़ नहीं आती क्या? ठीक है ना, अब लेडीज़ को भी करें कि इस तरह सब्सिडी है कि ऑप्शनल है कि आप लेना चाहे नहीं लेना चाहे, भाई फ्री की चीज़ कौन ही लेना चाहता है हिंदुस्तान? फिर तो ये कह लें कि हमारे पैसे हमारे लिए यूज़ हो रहा है। हाँ, ऑब्वियसली बात है। अब वो बाद में कहते हैं कि भाई केंद्र सरकार मेरे को पैसा देना चाहती है, फिर कहते हैं कि मैं पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा आपकी दिल्ली के लिए। कैसे भाई, कैसे आप इस प्रकार से फेक स्टेटमेंट दे सकते हो? अगर आप दिल्ली के लिए करना चाह रहे हो तो आप रेवेन्यू, अच्छा सबसे बड़ी बात है वो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, एक आई मतलब IT डिपार्टमेंट से आए हुए इंसान हैं और वो इतने अच्छे दिमाग वाले, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो उनको ये समझाते हैं कि रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए ना कि रेवेन्यू घटाना चाहिए मेरे को। क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें, चाहे मैं NCR की बात करूं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं लेडीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। अरे भाई क्यों कर दोगे? ठीक है ना, दो साल पहले। तो क्या ये चुनावी लॉलीपॉप है? ऑब्वियसली चुनावी लॉलीपॉप ही है, क्योंकि ये चीज करने थी तो 5 साल से गवर्नमेंट है, तो तब क्यों नहीं सोचा लेडीज के लिए इतना कुछ? वो भी और दूसरी बात है, वो भी अभी कैसे करेंगे? वो भी अभी नहीं, वो ये कह रहे हैं कि क्या नाम है इसका, मतलब 2-3 महीने बाद मतलब हम लोग लागू करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है ना, 2-3 महीने बाद मैम आप भी यहाँ पर होंगे, हम भी यहाँ पर होंगे, और कितना इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो भी हम लोग देख लेंगे। बिल्कुल, मतलब अगर मेट्रो में फ्री कर भी देते हैं तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर मेरा कार्ड है तो मेरे हस्बैंड यूज़ नहीं कर सकते? मतलब वहाँ पे क्या हर एक जगह बंदा खड़ा होगा, मशीन के अंदर ऐसा सिस्टम लगाएंगे कि लेडीज कार्ड पंच कर रही है, जेंट्स कार्ड पंच कर रहा है? वो तो महिलाओं को एंट्री दी जाएगी, लेडीज को, जेंट्स को नहीं दी जाएगी। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मतलब एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट खड़ा करेंगे वहाँ पे? नहीं, चेकिंग में ही महिलाओं के लिए एंट्री फ्री, कार्ड लगाने का सिस्टम खत्म, सारे लोग चले जाएंगे, महिलाओं के लिए कोई दिक्कत नहीं मैम। लेकिन आप ये सोचो कि इससे जो DTC में अभी जो नॉर्मल पैसेंजर्स अभी जो DTC में या फिर ऑटो में कैब में कहीं ट्रैवल करते हैं, क्या आपको नहीं लगता इससे आपका मेट्रो में रश बढ़ेगा या दिल्ली की जो बसेज है उनमें नहीं बढ़ेगा? ठीक है ना, किराया बढ़ाया है ताकि मतलब एक क्वालिटी पीपल उसके अंदर जाएं। अब ये मतलब फ्री करके तो उसमें तो फिर मतलब क्राइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हर क्लास का बंदा जाएगा तो कहाँ से सेफ होगा? मतलब ये उन्हें पता की बात कि क्राइम बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच। कि इकोनॉमी जरूरी है ट्रैवलिंग के लिए, और केजरीवाल वैसे भी तो पहले उल्टा सीधा बयान देते आए हैं जिसकी वजह से इनकी लोकसभा में ये क्या ये चुनावी लॉलीपॉप है? चुनावी लॉलीपॉप है ये, चुनावी लॉलीपॉप ही है। पहले भी इस तरह का लॉलीपॉप दिए हैं और जो कि फेल रहा है। और इससे क्राइम बढ़ेगा क्या? क्राइम तो 100% बढ़ना ही है। कैसे? एक तो रश हो जाएगा, बेमतलब के लोग आना जाना शुरू कर देंगे। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल अपने वादे पे रहते नहीं हैं। अभी भी देखो वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाह रहे थे, कांग्रेस उनके साथ नहीं की, अभी भी अलग थलग पड़े हुए हैं। पूरे लोकसभा में उनका एक सीट आया है, आप ऐसे कंपेयर कर लो ना, धर्मेंद्र जी के घर में 2 लोकसभा सीट है, इनके घर में 1 लोकसभा सीट,
ये तो कहीं भी नहीं है, पता नहीं अब ये वादे कैसे कर रहे हैं। थैंक यू मैम। मैं एक प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं इससे आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेल्स के अंदर एक अनप्रोटेक्शन का फीलिंग आएगा। आप क्यों रिजर्वेशन कर रहे हैं जब हम बोलते हैं कि वुमेन्स एज वेल एज मेल्स एक साथ चल सकते हैं? हाउ कम यू आर डूइंग दिस इनजस्टिस कि आप आके मेल को निगलेक्ट करेंगे और फीमेल को आप ये दे देंगे, फ्री वेवियर दे देंगे, क्यों दे रहे हैं आप? ऑलरेडी एक डब्बा बना हुआ है। क्यों कर रहे हैं आप? एक डब्बा बना हुआ है मेट्रो में। हाँ, एक रिजर्वेशन ऑलरेडी है उनके लिए, आप उनको फ्री क्यों कर रहे हैं? इसका अच्छा इसका पॉइंट जो है ये हम कहीं ना कहीं टैक्स पेयर अपने पैसे से देंगे, तो हाउ कम यू विल बी मेंटेनिंग दैट? टैक्सपेयर्स तो वुमेन्स भी है ना। सीरियसली दैट इज वेल गुड, तो आप इक्वलिटी के ये करिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको टैक्स अव्वल तो आपको टैक्स कम लग रहा है, मेल्स को ज्यादा लग रहा है इनकम स्लैब के हिसाब से, तो हाउ कम